हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में जेई मेन में पूछे गए दो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट प्रॉब्लम है फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है, इसका 3 to the power 200 डिवाइडेड बाय 8 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है। एंड सेकंड क्वेश्चन में फ्रैक्शनल पार्ट इसका ये होने से k बाय 15 होने से k का वैल्यू निकालना है, मतलब रिमाइंडर निकालना है। यहाँ पे भी रिमाइंडर निकालना है, तो रिमाइंडर मिलने के बाद रिमाइंडर बाय 8 वो होगा फ्रैक्शनल पार्ट। सॉल्यूशन फर्स्ट के लिए हमको मालूम है 3² इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 8। इसका मतलब 9 को 8 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 1 होता है। तो दोनों और 100 पावर करेंगे तो क्या मिलेगा, तो ये हो गया 3 to the power 200 कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 8। तो फिर इसको 8 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 1 होगा, तो फ्रैक्शनल पार्ट इज 1/8। तो आंसर क्या हो गया, 1/8। रिमाइंडर 1 मिला है तो फ्रैक्शनल पार्ट 1/8 होगा। सेकंड क्वेश्चन के लिए, सेकंड में क्या है, 2 to the power 403 है। 2 to the power 4 मतलब 16, 16 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 15 है। तो इसको 100 पावर कर देने से 2 to the power 400 इक्वल टू 1 का पावर 400 करने से 1 mod 15। तो 2 to the power 400 को 15 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 1 होता है। फिर दोनों ओर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों ओर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 to the power 403 कॉन्ग्रुएंट टू 8 mod 15। इसका मतलब क्या है, 2 to the power 403 को 15 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 8 होता है। तो इसका रिमाइंडर 8 मतलब इसका फ्रैक्शनल पार्ट 8/15 है, दैट इज के का वैल्यू क्या है, के इज 8। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।